हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो आज आपका मेजर फाइव हुआ, अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं मैथ्स का। तो सबसे पहले सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर वन, तो माई सेल्फ देवेंद्र अग्रवाल, टीम मैथ सीएलसी सीकर। क्वेश्चन नंबर वन में देखें क्या कह रहा है। एक सेट दे रखा है ए, एक लाइन दे रखी है अपने को वाई वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस वन। सेट बी में दे रखा है अपने को इलिप्स। एंड सेट सी में क्या कह रहा है ये, अल्फा कॉमा बीटा एक पॉइंट है जिसमें क्या कह रहा है वो, अल्फा बीटा ए में भी है और अल्फा बीटा बी पर भी है। दूसरी बात, अल्फा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज पॉजिटिव, विच इज पॉजिटिव, जो कि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होने का क्या मतलब हो गया, इसको अपन आगे चलते हैं। चलो है ना, थोड़ा सा और। अब ये क्या कह रहा है, इसका मतलब कि अल्फा बीटा यदि लाइन पर भी प्रेजेंट है और इलिप्स पर भी प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, लाइन या तो इलिप्स को टच कर रही है या कट कर रही है। और आगे चलते हैं। चलो, इफ सेट सी इज सिंगलेटन सेट देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम। तो सी सेट, जो सेट सी है अपना, वो क्या है, सिंगलेटन सेट है ना। सिंगलेटन सेट का मतलब क्या हो गया, इसमें बस एक ही एलिमेंट आएगा, इसका मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट है अपने पास जो कॉमन पॉइंट है, दैट मींस लाइन टचेस द एलिप्स। इसका मतलब ये हो गया कि लाइन क्या कर रही है, टच कर रही है, यानी कि ये जो लाइन दे रखी है अपने को, ये क्या हो गई, टेंजेंट टू द एलिप्स हो गई। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो बताओ, जब कोई लाइन गिवेन है अपने को और वो टेंजेंट है क्या एलिप्स के, तो क्या कंडीशन लगाते हैं अपन, सी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लगाते हैं अपन। तो लगा दो आप, आंसर आ गया आपका। सी की वैल्यू कितनी है आपने, वन है, और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ए स्क्वायर एम स्क्वायर का मतलब क्या मतलब हो गया, ए स्क्वायर कितना है यहां पर, वन, एम स्क्वायर नहीं पता अपने को, और क्या है, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो आप, तो एम स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई यहां से, 1 - 1/4 यानी कि 3/4। तो एम स्क्वायर की वैल्यू यदि 3/4 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस √3/2। तो देखो, एम की वैल्यू यहां से क्या आ रही है, प्लस माइनस √3/2 आ रही है। एम की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस √3/2। तो अपने को पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, सोचो आप। आपके पास जो इलिप्स था वो कुछ ऐसे था, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। अपने पास जो लाइन है, दो लाइन हो सकती है अल्फा ग्रेटर देन जीरो के लिए, या तो ये लाइन रही होगी या फिर ये लाइन रही होगी, बट अपने को स्लोप कौन सा लेना है। तो देखो, यहां पर अपने पास जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब लाइन ऊपर कट कर रही है वाई एक्सिस को, है ना, ओरिजिन से ऊपर कट कर रही है, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अपने को वो लाइन लेनी है जिसका स्लोप क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब अपना आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, एम इक्वल टू -√3/2। तो एम इक्वल टू -√3/2 आएगा। इसका क्या मतलब हो गया कि सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम, तो एक ही वैल्यू आ रही है, दैट इज -√3/2। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर थ्री। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर टू में क्या कह रहा है, द लाइन एल गिवन बाय दिस पासिस थ्रू द पॉइंट 1, 2, 3। एक लाइन गिवन लाइन है और वो पॉइंट से पास कर रही है 1, 2, 3। इसका मतलब क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। इस दिमाग में बात आनी चाहिए आपके, देखते ही क्वेश्चन को पढ़ते ही। अनदर लाइन के इज पैरेलल टू द लाइन एल, एक और लाइन के है जो पैरेलल है एल के, एंड हैज द इक्वेशन दिस। ये जो लाइन है वो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। देन द डिस्टेंस बिटवीन लाइन एल एंड के, तो अपने को एल और के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले। तो पहले तो ये बताओ मेरे को आप कि 1, 2, 3 इसको सेटिस्फाई करेंगे तो क्या करें, अपन इसको सेटिस्फाई करा दें तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 रखोगे तो 1 - 2 - 1, तो ये आ गया माइनस का हाफ इक्वल्स टू 1, 2, 2 रखोगे तो 1/b, और 3 रखोगे तो 3 + 1 = 4/c। तो यहां से b की वैल्यू तो आ गई -1/2, सॉरी क्या आएगी b की वैल्यू, -2। b की वैल्यू आ गई -2, और c की वैल्यू क्या आएगी बताओ, c की वैल्यू आ जाएगी -8। तो B की वैल्यू मिल गई आपको, C की वैल्यू मिल गई। अब बस क्या करना है अपने को, इसको पुट कर लेते हैं, तो लाइन की इक्वेशन नजर आ जाएगी आपको। तो ये आ गई x - 2/2 = y - 1/b की वैल्यू आ गई -2, एंड z + 1 क्या आ जाएगा, C। C कितना आ गया, -8। ये हो गया। अब अपने पास लाइन है, अब क्या कह रहा है, दिस इज पैरेलल, अनदर लाइन के इज पैरेलल टू लाइन एल। ये जो लाइन के है वो क्या है, पैरेलल है इस लाइन के। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अपन ये लिख सकते हैं, तो दोनों लाइनों का देखो क्या हो जाएगा, ए और डी की वैल्यू निकालने फटाफट से अपन। कैसे निकालेंगे बताओ, एक काम करते हैं अपन, पहले तो ये दोनों लाइन सीधी पैरेलल हैं, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों के जो डी आर हैं उनका रेशियो सेम होगा। तो सीधे सीधे कर लो आप, क्या हो जाएगा, 2/a = b/2 = c/d। ठीक है, तो अब निकाल लें वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू तो अपने को चाहिए अभी, बी की वैल्यू कितनी आई थी, -2, यस -2, एंड सी की वैल्यू कितनी आई थी अभी, -8। तो निकाल लो वैल्यू, ए की वैल्यू तो क्या आ गई यहाँ से, -1, यानी कि ए की वैल्यू आ गई -2, और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, डी की वैल्यू जाएगी माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो डी की वैल्यू आ गई आपकी 8।
ठीक है ना। तो डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, अब कुछ नहीं करना आपको। अब एक काम करते हैं, इसको रिमूव कर दूं मैं यहाँ से, है ना। चलो आगे चल रहे हैं, थोड़ा सा रिमूव करते हैं इसको। अपने को ए की वैल्यू मिल चुकी है, और ठीक है इसको लिख लेते हैं मैंने एक बार, है ना। ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू -2 और -8, तो इसको रिमूव कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दोनों लाइंस को रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक बार अपन। मान लो ये लाइन L है और ये लाइन आपकी K है, ठीक है। तो इन दोनों लाइंस पे अपन ने पॉइंट्स, किस पॉइंट्स पास हो रही लाइन अपनी, 2, 1, -1, मैंने यहाँ लिख लिया 2, 1, -1। और ये लाइन किस पास हो रही है, -2, 3, -4, तो ये ले लिया मैंने -2, 3, -4। अब देखो करना क्या है अपने को, इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है अपने को। तो पहले आप क्या करो, ये डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है ना। अब क्या करना है अपने को, ये डिस्टेंस निकालनी है दोनों की बीच में, परपेंडिकुलर। मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको नाम दे दिया मैंने ए, इसको नाम दे दिया मैंने बी, इसको नाम दे दिया मैंने सी, ठीक है। अब मैंने क्या करने वाला हूं, ये डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सी वाली, ए बी, इसको मान लो आप डिस्टेंस क्या है, पी है, ये डिस्टेंस क्या है, पी। अब आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो आराम से, कौन सी वाली, ए सी निकाल सकते हो। और इस एंगल को यदि मैं थीटा बोल दूं, इस एंगल को मैं यदि थीटा बोल दूं, तो ये एंगल थीटा भी बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। कैसे, एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन, सही है ना, आराम से निकाल सकते हो आप। इसके डी आर निकाल लो, इसके डी आर निकाल लो, और आराम से दोनों के बीच में एंगल निकाल सकते हो। तो एक काम करते हैं अपन, एक काम करते हैं अपन, थोड़ा सा करते हैं फटाफट से, है ना। तो बताओ मेरे को एसी की लेंथ कितनी आएगी यहां पर, लेंथ ऑफ एसी कितना हो जाएगा, एसी की लेंथ आ जाएगी आपकी अंडर रूट ऑफ, करो -2 -2 यानी कि 4, 4 स्क्वायर स्क्वायर कितना हो गया 16, 3 -1 यानी कि 4, एंड द लास्ट -4 + 1 यानी कि -3 यानी कि 9। तो कितना हो गया, √29 आ गया। ये आ गया क्या, लेंथ ऑफ एसी √29। अब इसकी लेंथ आपको मिल गई √29, आपको क्या चाहिए, सिर्फ परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए। और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज साइन थीटा। तो अपन एक काम करते हैं, ये एंगल निकालते हैं पहले। तो ये एंगल क्या हो जाएगा बताओ, एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन, तो क्या हो जाएगा, इसके डी आर क्या थे अपने, इसके अपने ए 2 एंड डी, और ए की वैल्यू कितनी है -2, और डी की वैल्यू कितनी आई थी -8, ठीक है ना, -2 एंड -8। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अपन सिंपल सी बात कह सकते हैं कि इसके डायरेक्शन रेशियो डॉट प्रोडक्ट विद दिस अपॉन में दोनों का मैग्नीट्यूड, है ना। सीधे मैं लिख देता हूँ ये काम, अब आप करना खुद से, है ना। कॉस थीटा इक्वल टू क्या जाएगा, सी डी वैक्टर, सी डी सी बी, ठीक है ना, सी बी डॉट सी ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ सी बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए, कर लोगे अलग हम। इससे क्या आ जाएगा, आपको कॉस थीटा मिल जाएगा, और कॉस थीटा मिलते क्या कर लेना, फिर साइन थीटा निकाल लेना। साइन थीटा क्या आ जाएगा आपका, पी अपॉन √29, तो यहाँ से आपको पी की वैल्यू मिल जाएगी। कर सकते हो आराम से ये अलग हम, है ना, थोड़ा सा मेहनत करनी है आपको। चलो आगे नेक्स्ट। हाँ भाई देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला दिस, इस हाइपरबोला की अपने को क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम निकालनी है। तो क्या होगी, एल आर इक्वल्स टू 2b² / a होती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2b² / a, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी 2 into, पहले क्या करो आप इसको 1 बना लो, तो क्या होगा 4 से डिवाइड कर दो आप पूरे को, सही है। तो क्या आ जाएगा 2b², b² का क्या मीनिंग हो गया यहाँ पर, b² मतलब हो गया 4 sin² alpha, सही है। और नीचे क्या हो गया, a का मतलब क्या हो गया 2 sin alpha, तो 2 sin alpha का आप मॉड लो, रूट लोगे तो क्या आ जाएगा, मॉड में ले लेते हैं 2 sin alpha, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पर, ये देखो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, 4 into sin² alpha, साइन स्क्वायर अल्फा को लिख दो आप 1 - cos 2 alpha, ठीक है ना, 1 - cos 2 alpha upon 2, तो 2 sin alpha फिर से आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो अब 2 से तो क्या कैंसिल आउट कर दो इसको, तो कितना आ गया ये 2 into 1 - cos 2 alpha upon में क्या आ जाएगा, साइन अल्फा, सही है। तो ये आ गया कुल मिला के क्या अपना 1 - cos 2 alpha upon sin alpha, ठीक है। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन मिस कर रहा है इसमें, अच्छा अल्फा की वैल्यू जो है ना वो n π/2 के इक्वल नहीं है, अल्फा की वैल्यू क्या है, n π/2 के इक्वल नहीं है, यानी क्या हो गया, अल्फा इज नॉट इक्वल टू π/2, 3π/2, है ना, पाई के इक्वल भी नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि n के लिए इंटीजर है ना, इसलिए तो π/2, π, 3π/2,
कोई भी है ना प्लस माइनस में, तो कुल मिला के अपना कौन सा ऑप्शन में चल जाएगा देख लो, वन माइनस कॉस टू अल्फा अपॉन साइन अल्फा, वन माइनस कॉस टू अल्फा अपॉन साइन अल्फा, तो यहां पर क्या आ रहा है अपना ये वन माइनस कॉस टू अल्फा, कहां गलती हो रही है, टू साइन स्क्वायर अल्फा, फोर नीचे क्या आएगा कॉस स्क्वायर, अच्छा एक मिनट सुन, अरे यहां पर क्या आएगा ये फोर कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा है ना, तो क्या आएगा यहां पे कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा ना, कॉस अल्फा ठीक है, तो क्या आएगा यहां पर कॉस अल्फा आएगा, क्या कर लोगे ना कॉस अल्फा, तो नीचे क्या आएगा कॉस अल्फा आएगा, तो उसका मतलब क्या हो गया वन माइनस कॉस टू अल्फा अपॉन कॉस अल्फा का मॉड, ऑप्शन नंबर वन सही होगा। चले आगे नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, इफ ए वेक्टर दिस, बी वेक्टर दिस एंड सी वेक्टर दिस, वेयर लैम्डा इज अ कांस्टेंट एंड ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस, ए वेक्टर क्या है सी वेक्टर माइनस लैम्डा बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हो गया दो वेक्टर सीधे परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा जीरो होगा, तो आप पहले क्या निकाल लो सी वेक्टर माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर निकाल लो, कितना आएगा बताओ सी वेक्टर माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर निकालो, तो इसमें इसको इसमें से माइनस करना है किसको लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस, तो इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो आप और इसमें से माइनस कर दो, तो वन माइनस क्या आ जाएगा लैम्डा इंटू आई कैप आ जाएगा, आगे चलो थ्री माइनस क्या आ जाएगा लैम्डा इंटू जे कैप आ जाएगा, क्लियर बात ये वाली, लास्ट में क्या आ जाएगा माइनस साइन कॉमन ले लेना, तो क्या आ जाएगा ये लैम्डा स्क्वायर प्लस थ्री लैम्डा, और माइनस करेंगे क्या अपन इसको टू लैम्डा को, तो प्लस हो जाएगा वो, तो माइनस का टू लैम्डा, समझ गए ना क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया बट माइनस साइन हमने कॉमन लिया इसलिए अंदर क्या आएगा माइनस आएगा। चले आगे नेक्स्ट, तो अब अपने से क्या कह रहा है ये वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके ए वेक्टर के, तो क्या हो गया दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो यहां पर क्या है ये टू वन टू माइनस वन वन, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर ले वन, तो करो जल्दी से क्या हो जाएगा वन माइनस लेमडा इंटू टू प्लस थ्री माइनस लेमडा इंटू माइनस वन, यानी कि लेमडा माइनस थ्री आ जाएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई वन से करोगे तो सेम रहेगा, तो ये हो गया माइनस का लेमडा स्क्वायर और माइनस का हो जाएगा ये लेमडा, समझ गए ना, थ्री लेमडा माइनस टू लेमडा कितना बचेगा लेमडा, और ये क्या आना चाहिए जीरो, तो यहां से सॉल्व करो इसको जरा, तो ये आ गया आपका माइनस का लेमडा स्क्वायर और कितना आएगा माइनस का टू लेमडा प्लस लेमडा, तो माइनस का लेमडा माइनस का टू लेमडा आ गया ठीक है, और आगे चलो प्लस का टू और माइनस का थ्री, तो कितना हो गया माइनस का वन इक्वल टू जीरो, तो यहां से क्या आ रहा है लेमडा प्लस वन का होल स्क्वायर बन गया ये, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई सॉरी लेमडा प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो लेमडा की वैल्यू क्या आएगी माइनस वन और लेमडा की वैल्यू आ गई माइनस वन, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आपसे क्या कह रहा था ये, आपसे कह रहा था कि सम ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लेमडा, तो लेमडा की सेम वैल्यू आ रही है माइनस वन, तो डिफरेंट वैल्यू है ही नहीं एक ही वैल्यू आ रही है माइनस वन, तो उसका आंसर क्या होगा माइनस वन, यानी कि ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट। चलें आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ वेरिएबल पॉइंट पी व्हिच लाई इनसाइड द पैराबोला, जो पैराबोला के इनसाइड लाई करते हैं अंदर ठीक है, तो देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x क्या रहा होगा कुछ ऐसे रहा होगा पैराबोला, अब इस पैराबोला पे वो कह रहा है कितने मैक्सिमम पॉइंट हो सकते हैं क्या जो पॉइंट अंदर पी से क्या हो इक्वल डिस्टेंस पर हो, तो आप क्या करो एक सिंपल सी कहानी है ना, क्या करो आप एक किसी भी पॉइंट से क्या करो किसी भी रेडियस का मान के एक सर्कल ड्रॉ कर लो, तो एक सर्कल ऐसा ड्रॉ हो ही सकता है जो सो क्या करेगा चार जगह कट करेगा, तो अपन से सिंपल से क्या हो जाएगा देयर कैन बी मैक्सिमम फोर पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ठीक है ना, क्यों क्योंकि चारों ही क्या होंगे इसके रेडियस होंगे सर्कल के है ना, सिंपल से समझ सकते हैं इसको आप ठीक है, तो फोर पॉइंट्स होंगे तो क्या होगा थर्ड ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन माइनस इनफिनिट से इनफिनिट फॉर विच दिस इज जीरो, तो क्या करो इसको आप एफ एक्स मान लो, एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ठीक है, तो एफ डैश एक्स निकाल लो, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा टू एक्स माइनस प्रोडक्ट रूल लगाए हुए तो क्या हो जाएगा एक्स साइन एक्स का वन इंटू साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस में साइन एक्स ठीक है, साइन एक्स कट गया क्या बच गया टू एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, क्लियर है बात। अब अपने से क्या कह रहा था वो हाउ मेनी पॉइंट्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी पॉइंट्स आर पॉसिबल इन दिस इंटरवल फॉर विच दिस एफ एक्स इज जीरो, ये एफ एक्स क्या हो जीरो हो, तो एक काम करते हैं अपन एफ एक्स को जीरो होने का मतलब क्या हो गया सिंपल सी कहानी है,
अपन ने एफ डैश एक्स निकाल लिया, और एफ डैश एक्स निकाल लिया तो ग्राफ के बारे में आइडिया होने वाला है क्या अपने को, कि एफ डैश एक्स को ये देख लो कि जीरो कहां पर है, एफ डैश एक्स जीरो कहां पर है, तो वहां पर मिनिमम मैक्सिमम बने, मिनिमम मैक्सिमम बनेगा, तो एफ डैश एक्स को जीरो कर रहा हूं मैं, तो ये तो जीरो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो कहेगा ऑलवेज पॉजिटिव। कॉस एक्स की रेंज क्या होती है, माइनस वन से प्लस वन, बट टू में से आप माइनस कर रहे हो तो ये क्या आएगा ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी एक्स इक्वल टू जीरो, और x की वैल्यू जीरो आ रही है, तो अपन कह सकते हैं कि x इक्वल टू जीरो पे क्या बनेगा, या तो मिनिमा या मैक्सिमा। अब आप ध्यान से देखो, तो जीरो के लेफ्ट में कोई वैल्यू रखोगे तो कैसा आ रहा है, ये नेगेटिव, और जीरो के राइट में रखोगे ये वैल्यू तो कैसा आ रहा है, ये पॉजिटिव। इससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना, ये तो कहेगा ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ डैश एक्स जीरो के लेफ्ट में क्या है, नेगेटिव, और जीरो के राइट में क्या है, पॉजिटिव। तो अपन कह सकते हैं एफ डैश जीरो जो है वो क्या हो गया, एफ डैश जीरो क्या हो गया, वहां पर पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा बना रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, अपन कह सकते हैं कि ग्राफ जो बनेगा इसका वो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। देखो जीरो पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो जीरो एंड कॉस जीरो इज वन, तो माइनस वन आ रही है, तो जीरो पे जो वैल्यू आ रही है फंक्शन की वो आ रही है माइनस वन। और आप ध्यान से देखो तो एक्स की वैल्यू जब प्लस इनफाइनेट को टेंड करेगी तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, इनफाइनेट। ध्यान से देखो आप, एक्स की वैल्यू इन्फाइनेट रखोगे तो ये इन्फाइनेट का स्क्वायर इन्फाइनेट, और ये वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट, लेकिन इनफिनिट का स्क्वायर है ना यहाँ पर, इसलिए तो ये क्या होगा, वैल्यू बहुत बड़ी होगी, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे अपन तो क्या आएगा, ये वैल्यू बहुत ही छोटी आएगी। ये वैल्यू तो क्या होगी, माइनस वन से वन में रेंज में आएगी, ये वैल्यू तो क्या आएगी, माइनस वन से वन के बीच में ऑसिलेट करेगी, बट इसकी मैं बात करूं तो ये क्या आएगी, माइनस इन्फिनिट, बट ये क्या आ रही होगी वहां पर, उस समय क्या आ रही होगी, काफी बड़ा नंबर आ रहा होगा, प्लस में इन्फिनिट स्क्वायर है ना। तो क्या हो गया इसका मतलब, ये ग्राफ मेरा कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिट रखोगे तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, प्लस इन्फिनिट स्क्वायर होगा, तो वो वैल्यू क्या आ रही होगी, इन्फिनिट। तो कुल मिलाकर क्या है, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बना होगा कुछ ग्राफ, है ना। तो आप क्या करोगे, आप क्या देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है वो कितनी जगह कट कर रहा है अपने एक्स एक्सिस को, दो जगह। इसका मतलब जो एफ एक्स है वो दो जगह जीरो हुआ है, कहां पर, दो जगह जीरो हुआ है, एक यहां पर और एक यहां पर। तो इसका मतलब कितना हो गया, देयर कैन बी टू पॉइंट्स, देयर आर टू पॉइंट्स वेयर द एफ एक्स इज जीरो इन दिस इंटरवल। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट। The positive value of a so that the definite integral this achieves the smallest value. Okay, सबसे पहले देखो क्या करेंगे अपन, आपको इंटीग्रल दे रखा है, क्या मान लो इसको आप एफ ए मान लो, है ना, क्या मान लो एफ ए, एफ ए इक्वल टू क्या हो गया, a से a स्क्वायर, अंदर क्या है डी एक्स अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स। ठीक है, मान लिया। अब अपने को निकालना क्या है एक्चुअल में, देखो अपने से कह रहा है ये पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए सो दैट द डेफिनेट इंटीग्रल दिस अचीव्स स्मॉलेस्ट वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू जो है स्मॉलेस्ट होनी चाहिए ना। तो अपन क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो एफ डैश ए निकाल लेते हैं, मिल जाएगा अपने को मिनिमम वैल्यू, है ना। तो क्या हो जाएगा अपने को, करो डिफरेंशिएट, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी ए ऑफ दिस, है ना। मैंने क्या किया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लिया इसको, है ना। चलो तो क्या हो जाएगा बताओ, लिबनीज रूल क्या कहता है अपने से, पहले अपर लिमिट पुट करना है, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट क्या आ जाएगा, टू ए माइनस, क्या रखना है अपने को, लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए प्लस रूट ए, और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव क्या आएगा, वन। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, एक तो ए कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा अपने पास बताओ, अपने पास बचेगा टू अपॉन ए प्लस वन माइनस वन अपॉन ए प्लस रूट ए, सही है, ये आ गया। इसको आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टू ए और ये माइनस ए, तो क्या बचा, ए और टू रूट ए माइनस वन, टू रूट ए माइनस वन अपॉन में क्या आएगा, ए प्लस वन इंटू ए प्लस रूट ए। अब आप देखो ध्यान से, तो यहां पर जो ए की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, आप एफ डैश ए को जीरो करोगे, एफ डैश ए को यदि जीरो करते हो तो यहां से ए की वैल्यू क्या आएगी, निकाल लेते हैं अपन। सबसे पहले क्या करो आप, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकाल लेते हैं इसकी, है ना, क्या आएगी बताओ, ए में क्वाड्रेटिक बन, रूट ए में क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक बन रही है ना, तो क्या बना लो आप, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, तो रूट ए की वैल्यू आएगी आपकी मेरे ख्याल से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी क्या हो गया, फोर प्लस फोर एट हो गया, अपॉन में टू ए तो टू आ जाएगा, तो कुल मिला के ये आ गया माइनस वन प्लस माइनस रूट टू, क्या आ जाएगा रूट ए का वैल्यू, माइनस वन प्लस माइनस रूट टू। लेकिन अपने को क्या है, रूट ए, रूट ए की वैल्यू नेगेटिव तो होगी नहीं, तो क्या होगा, क्या वैल्यू पॉसिबल होगी, सिर्फ रूट टू माइनस वन, तो रूट ए की वैल्यू क्या आ गई, रूट टू माइनस वन, बट अपने को क्या निकालना था, ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ लिख दूँ, ए की वैल्यू आ जाएगी रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर। और आप अब चेक करना है ये मिनिमा है कि मैक्सिमा है,
तो आप कुछ नहीं है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू के लिए चेक कर लो बस, क्या रूट टू माइनस वन से पहले एफ डैश ए क्या रहा होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो कर लोगे आप आराम से ना। आप क्या करना, रूट ए से पहले, इसका मतलब सॉरी हाँ रूट ए से पहले है ना, रूट ए से पहले, तो अपन एक काम करना, आप रूट ए माइनस वन से छोटी वैल्यू रख के देख लो इसमें ना, तो ये कैसा फंक्शन आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। या आपको पता ही है क्या कि जब अपने पास ए स्क्वायर का ए का कोफिशिएंट क्या था यहाँ पर, एफ डैश ए कहाँ पर है, ये रहा एफ डैश ए में ए प्लस टू रूट ए माइनस वन है, तो आप देखो ए का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हो गया, अपन कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो कैसा रहा होगा अपने सामने, जो राइट साइड है उसमें अपन क्या लगाएंगे, यहाँ पे ये रूट ए की वैल्यू आई है जो भी है ना, क्या ये रूट टू माइनस वन, ठीक है ना, ये रूट टू माइनस वन, तो रूट टू माइनस वन से जस्ट बाद में क्या होगा, पॉजिटिव रहा होगा, उससे पहले कैसा रहा होगा, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ए का ऑप्शन कैसा है, पॉजिटिव, इसलिए तो क्या रहा होगा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा रहा होगा। बाकी आप चेक भी कर सकते हो, जीरो रख लो आप ए की जगह, क्या रख लो जीरो, या जीरो से जस्ट बड़ी क्वांटिटी रख लो, क्यों, क्योंकि ए पे एक को जीरो पे तो क्या रहा है, नीचे जीरो हो जाएगा इसलिए, ठीक है ना, तो ये वैल्यू क्या आ रही होगी, इससे पहले नेगेटिव और उससे बड़ी वैल्यू लोगे आप किससे, रूट टू माइनस वन से बड़ी वैल्यू, तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव, तो अपन कह सकते हैं आराम से कि दिस इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो वहां पर जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है किस पर, ए इक्वल टू रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर पर, वो क्या कर रही है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो ए इक्वल टू क्या आएगा, रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर, और रूट टू माइनस वन क्या होता है अपना, टेन पाई बाई एट, टेन साढ़े बाईस डिग्री की वैल्यू क्या होती है, रूट टू माइनस वन, तो क्या होगा, टेन स्क्वायर पाई बाई एट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट्थ। देखो क्वेश्चन नंबर एट्थ में क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द रीजन दिस वन, इसका एरिया निकालना है अपने को, तो एक काम करो पहले दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो आप, तो वाई स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू एक्स, इसका ग्राफ क्या बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स हो गया, तो सिंपल क्या बनेगा अपना ग्राफ, ऐसा बनेगा कुछ। दूसरा अच्छा, इसमें क्या कह रहा है, वाई स्क्वायर बाई टू लेस देन इक्वल टू एक्स है, तो आप कोई पॉइंट ले लो, यहां पॉइंट ले लेते हैं टू कॉमा जीरो, रखो इसमें टू कॉमा जीरो, तो टू टू जब फोर और यहां पर जीरो, तो क्या रहा है, ट्रू आ रही है इनइक्वालिटी, इसका मतलब कौन सा वाला रीजन लेना है अपने को, ये वाला, ठीक है। और दूसरा आप ले लो एक्स क्या है अपना, लेस देन इक्वल टू वाई प्लस फोर, तो क्या हो गया, ये लाइन हो गई वाई बराबर लाइन हो गई, क्या होगी लाइन, एक्स माइनस फोर, तो वाई इक्वल टू एक्स माइनस फोर का मतलब क्या हो गया, एक लाइन बनेगी जिसका इंटरसेप्ट कितना है, माइनस फोर यूनिट्स है, सही है, वाई एक्सिस पर, तो उसका मतलब क्या हो गया, लाइन ऐसे बन गई। अब इसका भी चेक कर लो, इसके लिए क्या चेक करोगे, ओरिजिन चेक कर लो, ओरिजिन तो रखो, ओरिजिन तो ओरिजिन रखोगे तो क्या आएगा, फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा, विच इज ट्रू, इसका मतलब क्या हो गया, अपने को एरिया ये वाला लेना है, तो अपने को एरिया जो लेना है ना वो कौन सा लेना है, सिर्फ ये वाला, तो क्या करोगे बताओ, एक स्ट्रिप ले लेंगे अपन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लो, क्या ले लो, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लो आप, ये ले लो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके कहां से कहां तक मूव करानी है अपने को, यहां से लेकर यहां तक, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, लिमिट निकालनी पड़ेगी अपने को, या ऐसे कह लो एक्स, इनके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसमें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो आप एक काम करो x इक्वल टू वाई प्लस फोर इस पैराबोला में रख दो, तो y x इक्वल टू वाई प्लस फोर रखो यहां पर, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस फोर, वाई प्लस फोर, ठीक है ना, अपॉन में टू, तो यहां से आ गया वाई स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस में एट इक्वल टू जीरो, तो y की वैल्यू यहां से आ रही है सिक्स टू जा फोर टू जा एट, तो y की वैल्यू तो फोर आ रही है और एक आ रही है माइनस टू, एक तो y की वैल्यू आ रही है 4 और एक आ रही है माइनस टू, यानी कि जो रेंज आएगी वो कहां से कहां तक आएगी, माइनस टू से प्लस फोर, माइनस टू से प्लस फोर, कर लोगे ये अलग काम तो, है ना, तो बस क्या क्या करना है अपने को, इंटीग्रेशन करना है कहां से कहां तक बताओ, माइनस टू से लेकर प्लस फोर तक, और करना क्या है, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, और राइट में कौन है लाइन, तो उसकी एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास, वाई प्लस फोर, उसमें से माइनस करना है किसको, पैराबोला को, पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन टू इंटू डीएक्स, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर अपॉन टू, इसको सॉल्व कर लोगे आप आराम से, फोर वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन थ्री, लिमिट क्या लगानी है, माइनस टू से फोर, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट। चलो देखो देखो नेक्स्ट, इफ कॉस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स इक्वल टू सिक्स एक्स, तो एक काम करो आप, आपको साफ दिखाई दे रहा है ये क्या बन रही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉस एक्स से डिवाइड कर दो आप पूरे को, है ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, टेन एक्स, तो वाई इंटू टेन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिक्स एक्स सेक एक्स, ये आ गया, जो कि क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें ये क्या हो गया आपका, माइनस टेन एक्स क्या बन जाएगा, पी एक्स, और ये कॉम्प्लीट क्या बन गया, क्यू एक्स, तो क्या करते हैं इसको एल डी ई के लिए अपन क्या करते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले क्या निकालेंगे अपन, आई एफ निकालेंगे, तो आई एफ क्या आ जाएगा इसका, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स, तो पी एक्स क्या है अपना, माइनस टेन एक्स डी एक्स, तो ये कितना आ गया,
टेन एक्स का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होता है अपना एल एन सेक एक्स, लेकिन माइनस साइन है बाहर, तो क्या हो जाएगा ये एल एन कॉस एक्स, और एल एन ई की पावर में आ रहा है तो क्या हो जाएगा ये सीधे सीधे कॉस एक्स। समझ गए ना, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एल एन सेक एक्स, लेकिन माइनस साइन बाहर है तो सेक एक्स की पावर माइनस वन यानी कि वन अपॉन सेक एक्स, वो क्या बन जाएगा कॉस एक्स बन जाएगा, और लॉग आ रहा है किसकी पावर में, ई की पावर में, लॉग से लॉग लॉग गायब हो जाएगा, तो क्या हो गया अपने पास कॉस एक्स आ गया, तो ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसका आंसर निकाल लो आप, क्या आंसर आएगा बताओ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू एक्स, और क्यू एक्स क्या है अपने पास सिक्स एक्स इंटू सेक एक्स है, डी एक्स हो गया, ठीक है, तो कितना आ गया कॉस एक्स है डी सेक एक्स कट गया, तो सिक्स एक्स का क्या हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी, तो क्या आ गया ये वाई कॉस एक्स, तो टू थ्री जा सिक्स। अब ये क्या कह रहा है देखो ध्यान से, वाई पाई बाई थ्री पे कितना आ रहा है जीरो, वाई पाई बाई थ्री पे क्या आ रहा है जीरो, तो वाई को तो जीरो कर दो और एक्स की क्या रख दो आप पाई बाई थ्री, तो कितना आ जाएगा सी का वैल्यू, सी का वैल्यू आ जाएगा माइनस का पाई बाई थ्री रखोगे तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई नाइन, तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई थ्री आ जाएगा, थ्री से नाइन कट गया तो क्या बचा माइनस का पाई स्क्वायर बाई थ्री, ये आ गई सी की वैल्यू। अब सी की वैल्यू को यहाँ उठा के रख दो आप, और क्या चाहिए अपने को एक्स की जगह पाई बाई सिक्स रखना है, तो कुछ नहीं करना आपको सी की वैल्यू पुट करके वाई की वैल्यू निकाल लो, एक्स की वैल्यू क्या रख के पाई बाई सिक्स 30 डिग्री पर, ठीक है कर लोगे। चलें आगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 अपने को लिमिट दे रखी है ये निकालनी है, ठीक है, तो क्या करोगे देखो आप, सबसे पहले क्या करो आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो क्या लिख सकते हो आप लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और यहां पर हो जाएगा 4 बाई थ्री है ना पावर, तो 1 अपॉन एन कॉमन ले लो सब में से, तो 1 अपॉन एन कॉमन ले लोगे, अंदर क्या बचेगी एन की पावर 1 अपॉन थ्री बचेगी, उसको अंदर ले जाओ ब्रैकेट के, तो क्या हो जाएगा एन प्लस 1 अपॉन एन होल टू दी पावर 1 अपॉन थ्री प्लस एन प्लस 2 अपॉन एन होल टू दी पावर 1 अपॉन थ्री, और ऐसे करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा एन प्लस एन अपॉन एन होल टू दी पावर 1 बाई थ्री, ये आपको ऐसे नजर आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा अपन, तो देखो इसको आप अलग अलग करोगे ना सेपरेट, तो क्या हो जाएगा ये कुछ ऐसे नजर आएगा 1 अपॉन एन इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एन होल टू दी पावर 1 बाई थ्री, कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर है ना, यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस 2 अपॉन एन होल टू दी पावर 1 अपॉन थ्री प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा लास्ट में एन प्लस 1 अपॉन एन 1 प्लस एन अपॉन एन होल टू दी पावर 1 अपॉन थ्री, ठीक है ना, ये आ गया। अब कुछ नहीं करना आपको, लिमिट चल रही है अपनी क्या एन टेंडिंग टू इन्फाइनिट, इसको समेशन में चेंज कर लो आप, क्या चेंज हो रहा है देखो 1, 2, 3 कहाँ तक जा रही है कहानी एन तक, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा, सिग्मा क्या लिख सकते हैं बताओ 1 प्लस आर अपॉन एन होल टू दी पावर 1 अपॉन थ्री इंटू 1 अपॉन एन, लिख सकते हैं आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेकर एन तक, और लिमिट एन किसको टेंड कर रहा है इन्फाइनेट को, लिमिट किसको टेंड कर रहा है एन इन्फाइनेट को, तो कुछ नहीं करना बस आपको, अब ये क्वेश्चन बन चुका है शानदार। अब अपने क्या क्या करना है याद है आपको, आर अपॉन एक्स को क्या पुट कर लो आप, एक मिनट रुको, यस आर अपॉन एक्स को आप पुट कर लो टी आर अपॉन सॉरी आर अपॉन एन को, आर अपॉन एन को पुट कर दो आप एक्स, और वन अपॉन एक्स को क्या वन अपॉन एन को डी एक्स, तो क्या बन जाएगा ये आपका याद है, इसको अपन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1 अपॉन थ्री, और यहां पर क्या आ जाएगा डी एक्स, ठीक है बस कुछ नहीं है सॉल्व कर लो इसको, इसको सॉल्व कर लो 0 से 1 लिमिट है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सी सीधे 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 बाई थ्री अपॉन 4 बाई थ्री, और लिमिट क्या लगानी है 0 से 1, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। चलें आगे नेक्स्ट, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 11 पॉइंट पी लाइज ऑन द लाइन एल दिस, ठीक है ये क्या है इज सच दैट है ना, ये साइन क्या है इज सच दैट 3x plus 4y equal to 15 if point P is equidistant from the coordinate axis then P can be located in which of the four quadrant, कि इन चार क्वाड्रेंट में कौन कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है कौन पॉइंट P, सिंपल सा क्वेश्चन है एक लाइन है, एक लाइन पर एक पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंट है किससे x एक्सिस से और y एक्सिस से, तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो लाइन है अपने पास 3x plus 4y equal to 15, चलो एक जनरल पॉइंट मान लें इस पे अपन, तो मान लो x equal to क्या है अल्फा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ माइनस का 3 अल्फा प्लस 15 अपॉन में क्या आ जाएगा 4, ये y आ गया। अब ये क्या कह रहा है अपने इक्विडिस्टेंट है किससे x एक्सिस और y एक्सिस से, इसका मतलब क्या हो गया अल्फा इक्वल है क्या मॉड ऑफ 15 माइनस 3 अल्फा अपॉन 4 के, सही बात है ना, मॉड का मतलब क्या हो गया डिस्टेंस इक्वल होनी है अपने को, है ना, उसके साइन से सेंटोनिया मैटर करता है, अपने को जो डिस्टेंस है वो इक्वल है उस पॉइंट की है ना दोनों एक्सिस से, तो क्या हो जाएगा यहां से प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू 15 माइनस 3 अल्फा अपॉन
फोर, इसको सॉल्व कर लो आप, तो ये कितना आ गया प्लस माइनस फोर अल्फा बराबर 15 माइनस थ्री अल्फा, तो एक बार प्लस साइन ले लो तो कितना आ जाएगा अल्फा बराबर आ जाएगा आपका 15 अपॉन 7, और एक बार माइनस साइन ले लो तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा माइनस का अल्फा, अल्फा इक्वल टू आ जाएगा माइनस 15, कितना आ जाएगा माइनस का 15। तो अब आप अल्फा की वैल्यू किस में रख दोगे, वाई कोऑर्डिनेट में, तो अल्फा जो एक्स कोऑर्डिनेट है, अल्फा जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या आ रहा है, एक बार पॉजिटिव भी आ रहा है और एक बार नेगेटिव आ रहा है। अब इसके लिए आप जब वाई चेक करोगे तो एक बार क्या आ रहा होगा, ये चेक कर लें, 15 अपॉन 7 रखो यहां पर, तो 15 अपॉन 7 रखोगे तो कैसा आ रहा है, 15 अपॉन 7 यानी कि ये वैल्यू बड़ी होगी ये छोटी, तो नेगेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव इसके लिए, और इसको रखो माइनस 15 को माइनस माइनस प्लस, तो इसके लिए वाई कोऑर्डिनेट कैसा आ रहा है पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, अपन कह सकते हैं एक तो 15 अपॉन 7 जब रखा मैंने, 15 अपॉन 7 जब रखा तो ये आ रहा था नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो कौन सा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। और दूसरी बात अपन बात करें किसकी, एक मिनट, माइनस 15 रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस पे ये पॉजिटिव आ रहा है तो माइनस पे आ रहा है पॉजिटिव, यानी कि कौन सा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, तो सेकंड भी आ रहा है और फोर्थ भी आ रहा है, सेकंड भी आ रहा है और फोर्थ भी आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दो ऑप्शन आएंगे इसके। एक मिनट रुको अपन चेक कर लें एक बार, 3x plus 4y equal to 15 आ रहा था, तो x सीधी अल्फा है तो y आ जाएगा आपका 15 माइनस 3 अल्फा अपॉन 4, बिल्कुल ठीक है, तो 15 माइनस 3 अल्फा अपॉन 4 हो गया, तो प्लस माइनस अल्फा हो गया, तो अल्फा की वैल्यू आ गई यहाँ से 4 अल्फा, ठीक है। तो ये जब प्लस साइन लेंगे अपन, पॉजिटिव साइन लेंगे, तो ये आएगा आपका 7 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 15 अपॉन 7, और जब माइनस साइन ले लेंगे अपन तो ये आएगा आपका माइनस अल्फा इक्वल टू 15, यानी कि अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस 15, तो वाई जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आएगा आपका, ये आएगा 15 अपॉन 7 रखेंगे अपन इसमें, अच्छा 15 अपॉन 7 रख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 15 अपॉन 7 हो गया 15 या 45 और 15 सत्तर 105 पॉजिटिव आएगा, है ना, वाई क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा भाई, वाई कैसा आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है इस पर, है ना, और वाई इस पर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन सा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्यों, क्योंकि अल्फा भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। और माइनस 15 रखोगे तब भी ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया प्लस में प्लस और प्लस में माइनस, माइनस में प्लस, सॉरी माइनस में प्लस, तो कुल मिला के कौन सा आ गया अपना, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक सेकंड क्वाड्रेंट, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है इसका मतलब। चलें आगे नेक्स्ट, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल्स सच दैट द पॉइंट दिस वन इज मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लाइन दिस, आपसे कह रहा है कि आपको सेंटर ऑफ द सर्कल्स, सर्कल के मिड पॉइंट, सर्कल के सेंटर का लोकस निकालना है, सेंटर के लोकस निकालना है जिसमें ये जो लाइन है ना इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है 2.3, ये जो मिड पॉइंट है इसका वो क्या है 2.3 है, और ये लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है अपने को, इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है 5x plus 2y equal to 16, ठीक है, करें शुरू। तो बताओ क्या करोगे आप, सबसे पहली बात तो ये होगी, इसको मैं इसको मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो पहली बात तो ये समझ में आ गई कि इसका स्लोप इनटू इसका स्लोप क्या हो जाएगा माइनस वन, तो इसका स्लोप कितना होगा बताओ, ये आ जाएगा के माइनस 3 अपॉन एच माइनस 2 इनटू इसका स्लोप कितना है लाइन का बताओ माइनस 5 बाई 2 इनटू माइनस का 5 अपॉन 2 इक्वल टू क्या आएगा माइनस 1 आएगा, ये तो कुल मिला के क्या आ गया अपना, माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया ये 5y माइनस 15 बराबर क्या हो जाएगा 2x माइनस 4, सही लिखा है मैंने x को h की जगह लिख दिया और y को k की जगह लिख दिया, तो कितना आ गया ये 2x माइनस y माइनस 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा ये माइनस का 11, तो कौन सा ऑप्शन सही है देख लो, 2x माइनस 5y प्लस 11 इक्वल टू 0, फर्स्ट ऑप्शन सही है ना, 2x माइनस 5y माइनस प्लस 11 इक्वल टू 0। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट, 13, इफ 0.0 लाइज ऑन और इन साइड द ट्राइंगल विद साइड्स दिस दिस दिस, चलो पहले सबसे पहले क्या करोगे देखो, साइड्स को ड्रॉ कर लो, साइड्स क्या क्या आ रही हैं, x 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2, और y 0 होगा तो x कितना आ जाएगा माइनस का 2/3, तो लाइन हो गई ये वाली, ये होगी l1, ये क्या हो गई l1 आपकी। चलो l2 ले लो, x 0 होगा तो y की वैल्यू 5 और y 0 होगा तो x की वैल्यू 5/3 आएगी, सॉरी है ना 5/3 आएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा बताओ, x 0 होगा तो y की वैल्यू 5/3 और y 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव में आ रही है, क्या आ रही है 5/2, यानी कि लाइन ऐसे होगी माइनस 5/2 है ना,
ठीक है चलो लास्ट लाइन बताओ मेरे को, ये एल टू आ गई, एल थ्री बताओ, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 7/2 है ना, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 7/2, तो क्या हो जाएगी, और ऊपर जाएगी इससे नीचे जाएगी, सोचो 7/2 कितना हो गया 3.5, तो इससे और ऊपर जाएगी लाइन है ना, क्या जाएगी लाइन, इससे और ऊपर जाएगी, यानी कि कुछ और दूसरा क्या आएगा, वाई इक्वल टू 0 पर ये लिख लेते हैं अपन 0.7/2, और वाई 0 होगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 14, यानी कि बहुत आगे, यानी कि ऐसे कुछ लाइन रही होगी ये। तो अपने को बताना है, देखो आप ध्यान से देखो, अपने को क्या बताना है, जो 0.8 है ना वो लाई करता है या तो इनसाइड ऑफ ट्राइंगल या फिर क्या करता है ऑन द ट्राइंगल। तो ये जो 0.8 है वो किस एक्सिस पे लाई करेगा बताओ, 0.8 किस एक्सिस पे लाई करेगा अपना, वाई एक्सिस पर, तो इसी भी घूम सकता है ये, तो बीटा की रेंज कहां से कहां तक हो सकती है मैक्सिमम, यहां से लेकर यहां तक, तो मैं कह सकता हूं बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/3 बट लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए वो 7/2, क्यों, क्योंकि वो उस पर लाई कर सकता है सर्किल पर, इसलिए क्या कर लिया मैंने इंक्लूड भी कराया उसको, ठीक है ना। तो 5/3 से 7/2 इसका आंसर आ गया, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलें आगे नेक्स्ट 14, क्या कह रहा है, साइन की पावर 4x/5 प्लस कॉस की पावर 4x/4 इक्वल टू 1/9, देन विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ट्रू। तो कर लेते हैं, सबसे पहले क्या करोगे आप, थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन है ना, करना क्या है आपको, यहां से किसी भी साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेनी है। तो क्या हो जाएगा, देखो साइन की पावर 4/5 प्लस इसको लिख देना 1 - sin² का होल स्क्वायर 4 इक्वल टू 1/9, सही है, तो इसको होल स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा ये साइन की पावर 4/5 प्लस 1 + sin² - 2 sin² में क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू क्या हो गया 1/9। तो कुल मिला के इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है देखते हैं, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 4 sin² और 5 sin² तो कितना हो गया 9 sin² हो जाएगा, और क्या आएगा माइनस का 10 sin² आएगा, और क्या आएगा प्लस का 5 आएगा, और नीचे क्या आएगा 5 × 4 = 20, 20 को वहां भेज दो आप और 9 को यहां ले आओ, ठीक है ना। तो कितना आ गया ये 9 × 9 = 81 sin² - 90 sin² + 9 = 45, 45 में 20 गया तो कितना बचा 25, ये आ रही है कहानी, ये आ रही है कहानी। तो एक काम करते हैं इसको अपन ब्रेक कर लेते हैं, तो 81 और 25 को ब्रेक करना है, तो ऐसा करो 9 × 9 = 81, 2 × 5 = 25, तो 45 × 45 हो गए, इसके फैक्टर क्या आ गए 45 × 45, यानी कि 45 sin² + 45 sin² + 25 = 0, तो यहां से आप साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो कितनी आ गई, एक तो आ जाएगा 81 का मतलब 9 कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो 9 sin² - यहां से क्या कॉमन आएगा 5, और 9 और अंदर भी क्या बच रहा है, वही बच रहा है क्या, परफेक्ट स्क्वायर बन गया था इसका मतलब, ये क्या बन रहा था परफेक्ट स्क्वायर बन गया था मुझे लग रहा है ना, 9 sin² + 5 - 5 का, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया था किसका, 9 sin² - 5 का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था ये, है ना। तो sin² की वैल्यू क्या आ गई अपनी 5/9, sin² की वैल्यू 5/9 है, तो इसको आप आराम से क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कॉस स्क्वायर में, टेन स्क्वायर में, और यहां पर रख के वैल्यू, ठीक है ना, कर लोगे आराम से। चले आगे नेक्स्ट देखो 15, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस वन इज 3 times द अदर देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ए, एफ ए की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो एक रूट क्या मान लो आप अल्फा, तो दूसरा क्या हो जाएगा 3 अल्फा, तो दोनों का सम कितना हो गया सम ऑफ रूट 4 अल्फा, तो -b/a करोगे तो कितना आ गया 4a, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई a आ गई, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई यहां से a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा इंटू 3 अल्फा स्क्वायर 3 अल्फा, तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट बताओ, अल्फा इंटू c/a होता है, तो c/a क्या हो जाएगा a प्लस एफ ए अपॉन 1, ये हो गया ये, तो यहां से क्या आ गया अपना अल्फा स्क्वायर बराबर आ गया 3 अल्फा स्क्वायर बराबर ए प्लस एफ ए, ये आ गया। अब अल्फा की वैल्यू क्या थी, ए थी, तो अल्फा की जगह क्या रख दो आप ए रख दो, तो क्या मिल जाएगा आपको 3a² - a - fa इक्वल टू 0। अब क्या करना है मैं साहब, कुछ नहीं करना, अब आपसे कह रहा था ये सिंपल सी बात कह रहा था कि एफ ए की वैल्यू क्या होगी, तो एक काम करते हैं अपन, ए में क्या बन रही है क्वाड्रेटिक बन रही है, ए में क्वाड्रेटिक बन रही है, तो क्या करोगे आप बताओ जल्दी से मेरे को, सबसे पहले एक काम करते हैं छोटा सा एफ ए के इक्वल लिख लें इसको, क्या लिख सकते हैं बताओ, एफ ए इक्वल्स टू 3a² - a, 3a² - a हो गया, तो एफ ए, ए का फंक्शन है कोई एफ, तो क्या हो जाएगा ये सीधे सीधे अपने एफ डैश ए निकाल लो आप, मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा ये 6a - 1, और एफ डबल डैश ए निकालोगे तो कैसा आ रहा है ये 6 आ रहा है विच इज पॉजिटिव, तो एफ डबल डैश ए पॉजिटिव आ रहा है, तो अपन के पास जो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है 1/6, दैट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो अपन कह सकते हैं कि ए इक्वल टू 1/6 पे इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी मिनिमम होगी, तो आप क्या कह सकते हो ए की वैल्यू क्या आ गई 1/6 आएगी,
ए की वैल्यू क्या आएगी, 1/6 आएगी। तो एक की वैल्यू इसमें माइनस, कुछ गलती करी है क्या अपन ने, चेक कर लो एक बार। माइनस ए इक्वल टू एफ ए, एफ ए की वैल्यू आ गई 1/6, ए की वैल्यू 1/6 आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया फंक्शन की क्या पूछ रहा था, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है ना ये, तो मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ 1/6 निकाल दो क्या आ रही है, फटाफट से कर लोगे यहाँ से आप आराम से कर लोगे, कर लें, चले आगे नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, दी जा रही ए पी देन अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस वन, देन इसकी वैल्यू क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसके रूट्स मान लो आप अल्फा बीटा, सही है, तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, बताओ अल्फा प्लस बीटा तो हो गया अपना माइनस बी, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा यहाँ से, ए प्लस सी अपॉन 2ac। तो कर लेते फटाफट से क्या हो जाएगा बताओ, सबसे पहले तो ये तीनों AP में है, तो एक काम तो ये कर सकते हो आप, इसको 1 मान लो, इसको 2 और इसको 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा b की वैल्यू 2 इसमें रखोगे आप इक्वल टू 1 करके, तो वहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी, और ए बी सी की वैल्यू आप किस में रख दो, इसको सॉल्व करने के बाद जो आ रहा है, यानी कि 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा में, और ये आ रहा है मेरे ख्याल से 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, सही है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी अपॉन ए होता है ना, तो कितना आ रहा था ये, माइनस बी आ रहा था, सही है, और ये कितना आ रहा था अल्फा इंटू बीटा, ए प्लस सी अपॉन 2ac। तो कुछ नहीं करना अब आपको, है ना, ऐसे भी कर सकते हो, इसको वन, इसको टू, तो बी के लू टू रखो, चलो करो उसमें, तो बी के लू टू रखोगे तो कितना आ गया ये, ए प्लस टू अपॉन 1 - 2a इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू निकल जाएगी ना यहाँ से आराम से, 1/3 आ रही है ना, एक की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी, तो ए और सी की वैल्यू आती है यहाँ पे आप पुट कर दो, तो आपको पास क्या मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा अपना, ठीक है। या फिर क्या तरीका है, इसको आप प्रॉपर क्या करो, AP में लगा के मिड टर्म इक्वल टू इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, तो वहाँ पर पुट करो आप, वैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है, चलें आगे। तो ये वाला काम ज़्यादा सही रहेगा, इसको 1, 2, 3 मान के आप पुट कर दो वैल्यू, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 17 क्वेश्चन में देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमेटी ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर मेंबर्स बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 12 मेंबर्स ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब 12 लोगों में से अपने को कमेटी बनानी है, कम से कम एक आदमी चुनना है, तो एटलीस्ट वन पीपल चुनना है, इसका मतलब क्या हो गया, 12 में से अपने को कम से कम एक चुनना है तो कमेटी बन जाएगी, 12 में से दो चुनना है तो कमेटी बन जाएगी, 12 से हम 3 चुनते हैं तब भी कमेटी बन जाएगी, और 12 के 12 भी हम चुन रहे हैं तो इसका मतलब तब भी कमेटी फॉर्म हो जाएगी। तो इसका मतलब नंबर ऑफ वेज कितना है, टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए अपने ये 12 में से एक चुन लिया, 12 में से दो चुन लिए, 12 में से 12 के 12 चुन लिए। अब आप क्या करो इसमें, बस कुछ नहीं करना, 12C0 ऐड कर दो और 12C0 सबट्रैक्ट कर दो, और आपको पता है 12C0 कितना होता है, 1 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, -1। तो अब ये क्या बन गया आपका, बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम बन गया, तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम क्या होता है अपना, 2 की पावर 12 हो जाएगा, तो 2 की पावर 12 - 1 यानी कि ये कितना आ गया, 4096 - 1 यानी कि 4095, क्लियर बात, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है, इफ पी इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड क्यू इक्वल टू क्या है अपने पास, क्यू इक्वल टू है अपने पास ये, तो पहली बात तो मेरे को ये बताओ आप कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है कोई भी तो उसका क्या मतलब होता है, पी इंटू पी का ट्रांसपोज क्या आएगा, आई आ जाएगा, और दूसरी बात अपने को ए क्या दे रखी है, इनवॉलंटरी मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या हो गया कि ए स्क्वायर क्या हो रहा होगा, वो भी आई आएगा। तो एक काम करते हैं ना अपन, सॉल्व कर लेते हैं, क्या पूछ रहा है ये बताओ, अपने को कह रहा है कि क्यू की वैल्यू क्या है, पी ए पी ट्रांसपोज, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है अपने पास पी ट्रांसपोज क्यू टू द पावर 1000 p, ये है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, पहले अपन क्यू को यहां पुट कर दें अपन, तो लेकिन पावर क्या है 1000, तो देखो आप क्या करो, क्यू को पी ए पी ट्रांसपोज है ना, तो पहले क्या निकालो, जब भी पावर ना बहुत ज्यादा हो तो आप पहले उसका स्क्वायर निकालो, तो स्क्वायरिंग निकालोगे तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर, देखो आप ये आ जाएगा पी ए पी ट्रांसपोज, और इसका इसी से मल्टीप्लाई है, इसका मतलब पी ए पी ट्रांसपोज एक बार फिर से, ठीक है। अब देखो पी इंटू पी ट्रांसपोज तो क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, आई क्या बचा, पी ए आई को लिखो चाहे मतलब, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वही मैट्रिक्स आ जाएगी लौट के, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर भी क्या बन जाएगा अपने पास, आई फिर से, और फिर आई का पी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, पी मैट्रिक्स, और पी इंटू पी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा फिर दोबारा से, ये टी है ट्रांसपोज है ना, फिर से क्या हो जाएगा ये आई, पी इंटू पी ट्रांसपोज भी क्या हो जाएगा आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि क्यू स्क्वायर क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, इसका मतलब क्यू की पावर 1000 जो होगी वो भी क्या रही होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई होगी, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बीच में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, और ये यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो पी ट्रांसपोज इंटू पी
ये भी क्या आ जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, कौन बी, बी आ गई यदि आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो अपने से क्या पूछ रहा था ये बी का इनवर्स। अब ये बताओ बी यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो बी का इनवर्स भी क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा इसका आंसर। तो ये कौन कौन से ऑप्शन है अपने, टू आई, आई बाई टू और ए, तो ये तो ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से अपन चेक कर लें ए और ए प्योर टू सॉल्यूशन क्या होगा इसमें से। तो देखो आसान है, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसको अपन क्या ले सकते हैं ए स्क्वायर, जब ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ए की पावर 4, 6 है ना, ये भी क्या होंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे, तो इसका मतलब ए की पावर 1000 भी क्या रहा होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहा होगा, इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं ना, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा सेकंड होगा, सही है ना। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इन द इंटरवल माइनस वाई से पाई सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस वन, तो सॉल्यूशन निकालने अपने को, अपने को दे रखा है कि इसका सब समय है वो क्या आ रहा है इसकी जो पावर है ना इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है अपने 4 क्यूब आ रहा है, कर लेते हैं साफ दिख रहा है ये क्या है एक जीपी बन रही है जिसका कॉमन रेशियो क्या है कॉस एक्स मोड ऑफ कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू क्या है इसको लिख दो आप 2 की पावर 6 लिख सकते हैं अपन, 2 के स्क्वायर का क्यूब, तो 2 की पावर 6 हो गया, यहाँ पे क्या आएगा 2 के पावर 3 आ जाएगा, तो इसको क्या हो सकता है अपन क्या लिख सकते हैं 3 अपॉन 1 माइनस मोड ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू 6, तो 3 2 6 कितना आ गया, यहाँ से सॉल्व करोगे तो इसको आप ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स का मोड इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये 1 अपॉन 2, ठीक है सॉल्व करो तो मोड ऑफ कॉस एक्स क्या आ गया आपका 1/2 आ गया, तो कॉस एक्स वैल्यू हाफ कहाँ पर होती है पाई बाई 3 पर, तो पाई बाई 3 पर हाफ होती है, तो अपने पास क्या कह रहा है ये माइनस पाई से पाई लेना है अपने को, तो कॉस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास प्लस माइनस पाई बाई 3 और प्लस माइनस पाई माइनस पाई माइनस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3, ठीक है तो कितना आ गया अपने पास प्लस माइनस 5/3 और प्लस माइनस 2/3। चलें आगे नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया 20, देखो क्या कह रहा है इन अ मंथ ऑफ 31 डेज प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग 5 संडे, 5 संडे होने की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो एक काम करें पहले तो अपन 5 संडे में से आप ये देखोगे 31 दिन में 28 दिन तो ऐसे होंगे जिनमें पूरे पूरे वीक आएंगे, तो 4 संडे तो आएंगे पक्का, अब जो लास्ट संडे होगा 5वां वो बचा हुआ किस पर डिपेंड कर रहा है 3 दिन पर, अब वो 3 दिन क्या क्या हो सकते हैं देखो संडे मंडे ट्यूसडे या फिर क्या हो सकते हैं सैटरडे संडे मंडे या फिर क्या हो सकते हैं फ्राइडे सैटरडे संडे, ये 3 ही पॉसिबल केस है जिसमें संडे आ सकता है, बाकी टोटल केस कितने बन जाएंगे 7 बनेंगे नॉर्मल आपको पता है, तो फेवरेबल कितने हो गए 3 टोटल कितने हैं 7, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 अपॉन 7, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलें आगे नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 21 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन डी क्या कह रहा है, कंसीडर द कॉनिक दिस वन इफ द कर्व ई इज द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू द कॉनिक सी दिस वन, इसके जो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स होंगी उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो, देन फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कर्व ई एंड द पॉइंट ई, तो पहले मेरे को कर्व ई निकालना पड़ेगा, ई के लिए मेरे को ई चेक करना पड़ेगा ये बन क्या रहा है पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला, तो चेक कर लेते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करो 25 को नीचे ले जाओ, तो क्या दिख रहा है आपको एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x-4y अपॉन में क्या आएगा 25, उसको मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, तो अब देखो किसी पॉइंट से किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का स्क्वायर है वो इक्वल है किसके, किसी फिक्स लाइन से डिस्टेंस का, एक्चुअल में ये क्या नजर आ रहा है आपको पी एस स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू पी एम का स्क्वायर नजर आ रहा होगा आपको ये, तो इसमें ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है आपके सामने 1 आ रही है, इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पैराबोला, ये पैराबोला है, इसका मतलब क्या हो गया कि अपने पास वो कह रहा था जो ई कर्व है ना जो ई है ई क्या है ई इज अ कर्व विच इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, तो आपको पैराबोला में पता है कि परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का मतलब क्या हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां लाई कर रहा होगा डायरेक्ट्रिक्स पर, तो इसका मतलब जो लोकस होगा ई का जो लोकस है वो क्या बनेगी डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स कौन है इसके केस में 3x-4y इक्वल टू 0 दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस पैराबोला, तो डायरेक्ट्रिक्स जो है वही क्या है इसकी लोकस है किसकी पॉइंट ई की, तो ई का लोकस क्या आ गया डायरेक्ट्रिक्स आ गई, अब इसका डिस्टेंस निकालना है किससे अपने को 2, -1 से निकाल लोगे आराम से, क्या करना है अपने को 2, -1 से इस लाइन की डिस्टेंस क्या हो जाएगी बताओ रख लोगे आराम से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लोगे क्या आ जाएगा 2, 3, 6 माइनस 1 रखो 4 अपॉन में क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 25 यानी कि 5 कितना आंसर आ गया 5 और 10 2 आ गया आंसर क्या आ जाएगा 2 चलो 0, 2 आंसर इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड इफ मोड ऑफ z-3-4i इक्वल टू 4 वेयर iota इज दिस रूट अंडर रूट ऑफ -1 देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस मोड z की अपने को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो एक काम करो पहले ये क्या लिखा हुआ है आपके सामने ये लिखा हुआ है एक तरीके से देखा जाए तो z-z0 और मोड इक्वल टू r लिखा हुआ है तो एक बात अपन समझ लें अच्छे से z अपन ने क्या है x + iota y ठीक है ना
तो आप एक बात समझ लें अच्छे से कि अपने को एक तरीके से क्या कह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट है मान लो, या बना लें इसको, इसका सेंटर क्या आ गया, इसका सेंटर आ गया आपका 3.4, क्या सेंटर आ गया 3.4, इस सर्कल का सेंटर आ गया 3.4, और रेडियस कितनी आ गई इसकी 4, रेडियस आ गई इसकी 4, ठीक है। अब मेरे को बात करना है किसके, इसके बारे में, मॉड जेड के बारे में, तो मॉड जेड की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है अपने को इससे सर्कल से, तो मॉड जेड का मतलब क्या हो गया, सेंटर क्या हो गया 0.0 हो गया, सेंटर क्या हो गया 0.0 हो गया, जेड का मतलब, तो सेंटर यदि 0.0 है तो 0.0 से इस सर्किल की मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है आपको, तो इसका मतलब क्या हो गया, मिनिमम निकालनी होती तो क्या होती, ये डिस्टेंस होती, मैक्सिमम निकालनी तो क्या हो गई, ये डिस्टेंस हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, अपने को यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस नजर आ रही है कितनी है 3.4 की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 5 आ गई, कर लो गया आराम से, और रेडियस कितना है इसका 4, तो 4+5 कितना हो गया 9 हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, सीधे 9 आ गया। चलें आगे नेक्स्ट, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन दिस वन हैज 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस इज एम से एन, देन द वैल्यू ऑफ एम प्लस एन, तो एक काम करो पहले इसको आप थोड़ा सा प्यार से लिख लो, x³ - 3x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ए हो गया, ठीक है। तो इसको अपन क्या मान लेते हैं, fx मान लें, तो क्या हो जाएगा, या फिर ऐसा करते हैं ए इक्वल टू लिख लेते हैं 3x - x³, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन इसको 3x - x³ क्या कर लो, इसको आप ग्राफ बना लेते हैं थोड़ा सा इसका, तो एफ डैश एक्स तो क्या आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा 3 × 3x², तो 3 कॉमन ले लो, तो 1 - x², तो क्या क्या आ रहे हैं, +-1, तो +-1 पे चेक कर लो मिनिमम मैक्सिमा, तो कर लोगे ये लगा है ना, कर लोगे, अपने को बस क्या है इसका ग्राफ बनाना है। तो एक काम ये कर सकते हो आप कि एक्स की वैल्यू जब इन्फाइनेट रखेंगे अपन, है ना, जब माइनस इन्फाइनेट रखोगे, एक्स की वैल्यू जब माइनस इन्फाइनेट रखोगे तो क्या आएगा, माइनस इन्फाइनेट का क्यूब, तो क्या हो जाएगा, प्लस का इन्फिनिट आ जाएगा, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे बनेगा इसका मतलब ये, ठीक है ना। आप देखो ध्यान से, तो ये जो पॉइंट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, -√3 है ना, दिख रहा है ना साफ साफ, यहां से जो x कॉमन लोगे आप, x कॉमन लोगे तो क्या होगा 3 - x², और 3 - x² में x की वैल्यू क्या आएंगी, +-√3, तो इसलिए क्या हो गए, 3 पॉइंट्स आ रहे थे जहां से अपना ग्राफ पास करेगा। तो माइनस इन्फिनिट रखने पर क्या आ रहा है, ये प्लस इन्फिनिट, और प्लस इन्फिनिट रखने पे क्या आएगा, ये माइनस इन्फिनिट, तो ग्राफ ऐसा बन रहा है। तो ये पॉइंट्स क्या है, -1 और +1, क्लियर बात। तो अब अपने को करना क्या है, एक ही रेंज बतानी है, तो एक ही रेंज बतानी है, तो एक ही रेंज क्या हो जाएगी, कहां से कहां तक बताओ, यहां से यहां तक, तो बता दो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो -1 पे वैल्यू क्या आ रही है, चेक कर लो, -1 पे वैल्यू आएगी इसकी -3 और +1, यानी कि -2, और +1 पे क्या आ रही है, चेक करो, +1 पे आ रही है +2, तो रेंज क्या आ गई इसकी, -2 से +2 आ गई, और रेंज आ रही है इसकी -2 से +2, इसका मतलब क्या हो गया, -2 से +2 आ रही है, पूछ क्या रहा है वो m+n, तो -2 + 2 क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। चलें आगे नेक्स्ट, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ क्वेश्चन है ना, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस वन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं, तो सिंपल इसको लिबनीज रूल से करो। सबसे पहले तो क्या लिखोगे इसको आप, 1/(1 - sin²)(sin x) का डिफरेंशिएशन cos x माइनस लोअर लिमिट, पुट करो 1/(1 - cos²)(cos) का डिफरेंशिएशन माइनस साइन इक्वल टू क्या दिखा है अपने को, 2√2। सॉल्व करेंगे इसको फटाफट से, बताओ क्या होगा, 1 - sin² क्या हो गया, cos², तो cos से cos कैंसिल आउट होगा, तो क्या हो जाएगा अपना, ये आ जाएगा cos से cos कैंसिल आउट होगा, तो ये बचेगा अपना 1/(1 - cos), और यहाँ पे क्या बचेगा, 1/(1 - sin) बचेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, इक्वल टू क्या है, 2√2 है, तो एक काम करो, √2 को नीचे ले आओ और साइन कॉस को मान ले जाओ एलसीएम लेकर, तो साइन प्लस कॉस, तो √2 इनके नीचे आ गया दोनों के, और यहाँ क्या आ गया, 2 sin cos, तो कुल मिला के देखो तो ये क्या बन गया, sin 45 और cos 45, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, तो इसको आप लिख दोगे sin x + π/4 इक्वल टू में क्या जाएगा, sin 2x, क्या जाएगा इक्वल टू में, sin 2x, तो कुछ नहीं करना, अब अपने को सॉल्यूशन लिखना है, तो क्या हो जाएगा, x + π/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, बताओ 0 से π में निकालना है ना अपने को आंसर, तो क्या हो जाएगा, n π - 1 की पावर n α, अल्फा कितना हो गया 2x, अल्फा कितना हो गया 2x, तो सिंपल सॉल्व कर लोगे इसको आप आराम से, n की वैल्यू क्या करना है, पुट करनी है, और अपने को चेक करना है 0 से π में सॉल्यूशन क्या आएंगे, ठीक है, कर लोगे आराम से। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने, कितने सॉल्यूशन आएंगे, 3 आएंगे, है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस वन, इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो देखो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले आप देखो तो 10² π/16 है, फिर 2π/16, फिर 3π/16, फिर क्या आएगा इसके बाद, यहाँ पर यहाँ आएगा 10² 4π/16 आएगा,
तो देखो 4 से तो कैंसिल आउट हो गया ये, तो कितना हो गया 4 चौक 16, तो पाई बाई 4, और 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 आएगा। तो अब बीच वाले की वैल्यू तो कितनी हो गई 1, अब इसके बाद क्या आएगा 4 के बाद 5 6 और 7, तो तीन टर्म बाद में आ रहे हैं 1 के और तीन टर्म पहले आ रहे हैं। तो आप ध्यान से देखो ना, तो इन दोनों का एंगल्स का सम कितना आ रहा है, आप देखो पाई बाई 2 आ रहा है, पाई प्लस 7 पाई कितना हो गया 8 पाई बाई 16, तो कितना हो गया पाई बाई 2। तो इन दोनों का सम यदि पाई बाई 2 आ रहा है, तो इसका तरीका अपने का सॉल्व करने का ये होता है कि अपन क्या करते हैं किसी भी एक एंगल को चेंज करते हैं। तो आप क्या करो बड़े वाले एंगल को चेंज कर लो, इन जनरल अपन बड़े वाले एंगल को चेंज करते हैं, कैसे, पाई बाई 2 माइनस छोटा वाला। तो इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16, सही है। तो क्या बन जाएगा ये कॉट स्क्वायर बन जाएगा, तो कॉट स्क्वायर बन जाएगा, तो क्या आएगा आपके सामने देखो ध्यान से, ये आएगा आपके सामने 10 स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस कॉट स्क्वायर पाई बाई 16, ठीक है। फिर क्या आएगा 10 स्क्वायर 2 पाई बाई 16, और यहाँ क्या आएगा कॉट स्क्वायर 2 पाई बाई 16, सही है। और फिर लास्ट क्या आएगा 10 स्क्वायर 3 पाई बाई 16, और यहाँ आएगा कॉट स्क्वायर 3 पाई बाई 16, सही है, ये हो गया। अब इसको ना क्या कर दो, आप देखो 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या बनता है अपना, 10 ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर माइनस 2। तो इसको आप डायरेक्ट लिख दो, क्या लिख दोगे 10 पाई बाई 16 प्लस कॉट पाई बाई 16 का होल स्क्वायर और माइनस 2। अब यही वाला काम किसमें करना है, इसमें भी और उसमें भी। अब होगा क्या कि यहां से आप इसको लिखोगे साइन अपॉन कॉस, इसको भी कॉस अपॉन साइन, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन में क्या जाएगा ये साइन कॉस, और ये साइन कॉस को क्या कर दो आप, मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं पहले वाले को, ठीक है ना। तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ रहा है आपका 1 अपॉन साइन कॉस, साइन कॉस का लग गया साइन पाई बाई 16 कॉस पाई बाई 16, और उसको क्या कर दो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो 2 साइन पाई बाई 16 इंटू कॉस पाई बाई 16, और इस पूरे का क्या हो रहा है होल स्क्वायर माइनस 2। हम एक टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, बाकी दो को बचे हुए कर सकते हैं ना साथ में एज इट इज। तो 2 अपॉन में क्या हो गया साइन पाई बाई साइन 2 ए हो जाएगा, तो साइन पाई बाई 8 आ जाएगा, तो उसको क्या लिख दोगे आप 2 अपॉन साइन पाई बाई 8 का होल स्क्वायर माइनस 2। अब इसको क्या लिख दोगे आप 4 अपॉन में साइन स्क्वायर पाई बाई 8, तो इसको डिलीट कर दूं मैं नीचे वाले को, ये चलो चेंज कर लेते हैं स्लाइड। चलो देखो देखो क्या हो जाएगा 4 अपॉन साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस 2, तो कितना हो गया ये हो जाएगा 4 अपॉन साइन स्क्वायर पाई बाई 8 कितना हो गया बताओ 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, अपॉन 2 को ऊपर ले जाओ कॉस 2 थीटा का मतलब क्या होगा कॉस पाई बाई 4 हो गया, तो कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होगी 1 बाई रूट 2, तो इसको सॉल्व कर लोगे 1 बाई रूट 2, 1 माइनस 1 बाई रूट 2, और ऊपर कितना है 8। ऐसे ही क्या होगा जब यहाँ पर आएगा कितना 2 पाई बाई 16, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अपना यहाँ बन जाएगा 4 पाई बाई 16, तो पाई बाई 4 हो जाएगा यहाँ पर, कर लोगे सॉल्व इसको सेम। और सेम क्या करना है अपने 3 पाई बाई 16 के साथ भी करना है, ठीक है समझ गए ना, 3 पाई बाई 16 है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 पाई बाई 16 3 पाई बाई 16, तो ये कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 3 पाई बाई 8, ये बन जाएगा कॉस में 3 पाई बाई 8, देखो सॉरी साइन में क्या बन जाएगा 3 पाई बाई 8, और 3 पाई बाई 8 बनने के बाद साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 बनने के बाद क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4, और कॉस 3 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है अपनी माइनस 1 अपॉन रूट 2, कॉस कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 लिखोगे ना उसको, तो क्या होगा माइनस का 1 बाई रूट 2, कर लो कि सॉल्व उसको भी है ना। तो उसको सिंप्लीफाई करके अपने को आंसर निकालना है, आंसर आएगा इसका क्या 35, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे आराम से करेंगे सॉल्व, चलें आगे नेक्स्ट। तो कुल मिला के आपका ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या सॉल्यूशन इसका। तो कुल मिला के अपन करने है ना, मेहनत करते रहिए, थैंक यू सो मच।